प्रयागराज शहर के कर्नलगंज क्षेत्र के लल्ला चुंगी से अंतरजनपदीय मोबाइल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया और दो चोरों बलबीर सिंह और मंजीत कौशल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की दो मोबाइल, लूट में प्रयुक्त किए गए लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुए। यह चोर बालसन चौराहे से लेकर बैंक रोड के मध्य सुनसान इलाकों में मोबाइल फोन की चुनौती का कार्य किया करते थे। प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस टीम और कर्नलगंज थाना की टीम की तत्परता से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय इनके पास चोरी के दो मोबाइल, लूट में प्रयोग करने वाले मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक अजीत कुमार चौहान ने बताया कि अभी इस विषय में और जानकारी की जा रही है कि इनके गैंग का कोई और सदस्य है या नहीं, और यदि इनके गैंग और भी सदस्य हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस तरह की लूट और चोरी की वारदातों पर लगाम कसने में प्रयागराज जिला पुलिस काफी हद तक सक्षम हुई है और कुछ दिनों में इस प्रकार की लूट एवं चोरी की घटना करने वाले कई जनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यह पुलिस की नई नीतियों का सीधा उदाहरण है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें अंतरजनपदीय चोरों का गैंग का खुलासा हुआ है। सर, क्या है पूरा मामला और किस तरह से खुलासा हुआ? अगस्त महीने में काना त्रिपाठी नाम के व्यक्ति हैं, उनसे मोबाइल की चुनौती हुई थी और वही मोबाइल और एक अन्य मोबाइल बलजीत और मंजीत कौशल के पास से बरामद हुई है, जो कि जेठवारा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं वो, और शीघ्र ही उन्हें जेल रवाना किया जाएगा। सर, इस तरह के लूटों के अब तक कितने खुलासे हुए हैं और कितनी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई? लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये भी अच्छा गैंग है, इस पर और भी इसके जो सहयोगी हैं उनको पकड़ा जाएगा। थैंक यू।